आज पढ़ेंगे कौन सा फेजर के ऊपर जो क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे लेवल के, मैं बोलूंगा कि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अगर आप कर पाओगे तो आप सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी शुरुआत करें तो पिछले वाली चीजों को याद करेंगे, पीछे वाली चीजों को याद करेंगे तभी कुछ चीजें अच्छे से हो पाएगी। हाँ आ जाओ बच्चों। D8 0521। तो बच्चों जैसे फेजर होता है आपने देखा होगा, किसी भी पार्टिकल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बात बताऊं कि फेजर में एक इजी क्वेश्चन उठाऊंगा, उससे स्टार्ट करूंगा और फिर डिफिकल्ट पे चलेंगे। तो लिखो, इफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज एक्स इज टू 5 sin ωt प्लस π/3। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो, फाइंड टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो। जीरो, ठीक है। यस, सेकेंड ये लिख देना, बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जहां से ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद पहली बार का वेलोसिटी जीरो होगी। दूसरा देखो, फाइंड द टाइम फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, थर्ड फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ में आया? यस। तो बच्चों जब पार्टिकल की इक्वेशन दे दी जाए और ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कैसे करना है? ये इजी क्वेश्चन है, इससे मैं पीछे वाली चीजें याद दिलवा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल या व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले तो आप फेजर में पार्टिकल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। फेजर में पहले तो आप फेजर में पार्टिकल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? 5। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? 5। पार्टिकल कहां पे है? पार्टिकल का इनिशियल फेज है π/3, मतलब ये एंगल जो बनाता है ना पार्टिकल π/3, ये बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो मतलब यहां से π/3 एंगल कौन बनाएगा? ये लाइन बनाएगी। ध्यान से देखोगे तो रिप्रेजेंट कर दिया, इनिशियल फेज कर दिया। यस, तो
तो पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो से यहां पे स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हो। अब बच्चों ध्यान से देखना और सभी अच्छे से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जीरो कब होगी। तो फेजर में आप मेरे को बताओगे कि ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो इसकी जो इमेज है ध्यान से देखो, इस SHM को, इस SHM को मैंने फेजर में रिप्रेजेंट किया मान लो, तो आप मेरे को एक बात बताओ कब इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। जब ये पॉइंट वन पे पहुंचेगा तब, जब ये पॉइंट टू पे पहुंचेगा तब, जब ये पॉइंट थ्री पे पहुंचेगा तब, या जब ये पॉइंट फोर पे पहुंचेगा तब। पहली बार वेलोसिटी कब होगी जीरो, जल्दी बताओ शाबाश, पहली बार पूछ रहा हूं मैं। वन पे पहुंचेगा तब वेलोसिटी जीरो होगी ना, यस सही बच्चों का अच्छा जवाब, पसंद आया हमें, खुश कर दिया। तो पार्टिकल को कितना चलना पड़ेगा, कितना फेज ट्रेवल करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर इसको पाई बाय सिक्स और चलना पड़ेगा, इतना थीटा ट्रेस करना पड़ेगा ना, तो हम लिख देंगे ओमेगा टी इज टू पाई बाय सिक्स। अरे इतना कितने टाइम में ट्रेस करेगा ये, टी इज टू टी टाइम पे यहां पे पार्टिकल आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसने इतना एंगल ट्रेस किया कितने टाइम में करेगा, ओमेगा टी इज टू पाई बाय सिक्स। तो हम इसको लिखेंगे टू पाई बाय कैपिटल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या आएगी इज टू पाई बाय सिक्स। पाई ने पाई को काट दिया यहां पे, और टी की वैल्यू आएगी ध्यान से देखना, टू इसके नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा कैपिटल टी बाय ट्वेल्व। समझ में आया क्या, ये किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा? अरे क्या ये किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा? नहीं ना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है आपको पता है, हम लिखते हैं ए इज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो, हा कि ना। अरे जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो, समझ में आया नहीं आया? यस, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, समझना एक बार। तो कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी इस पार्टिकल की मेन पोजिशन से, जल्दी बताओ, पॉइंट वन पे, पॉइंट टू पे, पॉइंट थ्री पे, पॉइंट फोर पे, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजिशन कब होगी, फेजर से देख के बताओ, शाबाश फेजर से देख के बताओ। अरे बोलो, बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन कब होगी जीरो? अरे टू पे होगी ना। अरे कब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा, ये पार्टिकल यहां पे था तो ये एक्स आ गया आपका, पार्टिकल यहां पे आएगा तो ये एक्स आ जाएगा, पार्टिकल यहां पे आएगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। अरे मीन पोजिशन पे आ गया ना पार्टिकल, जब या तो पार्टिकल यहां पे हो तब मीन पोजिशन होगी, या पार्टिकल यहां पे हो तब मीन पोजिशन होगी, ठीक है ना। तो होगी तो दो और चार पे, पर पहली बार कब होगी इसके चलने के बाद में, पहली बार दो पे होगी, दूसरी बार कब होगी फिर से चार पे, तो पहली बार पूछा है, तो आपको कितना एंगल ट्रेस करना पड़ेगा पार्टिकल को, बताओ बच्चों कितना एंगल ट्रेस करना पड़ेगा, पाई बाय सिक्स प्लस
पाई बाय टू, समझ में आया? तो आप लिखोगे ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय टू. इट इंप्लाइज वी कैन राइट इट एज ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी. इक्वल्स टू ये कितना हो गया, पाई बाय सिक्स पाई बाय टू, दैट इज फोर पाई बाय सिक्स, और वी कैन राइट इट एज, सॉरी हाँ फोर पाई बाय सिक्स, वी कैन राइट इट एज टू पाई बाय थ्री. अरे टू पाई बाय थ्री हो जाएगा ना, हाँ कि ना? तो हम लिख देंगे यहां से देखो, t इज इक्वल्स टू टू पाई से टू पाई गया तो ये t इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा t बाई थ्री. तो t इज इक्वल्स टू t बाई कैपिटल t बाई थ्री पे पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन फर्स्ट टाइम जीरो हो जाएगा, क्योंकि x जीरो होगा जहां पे वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा. x जीरो कहां पे होता है, मेन पोजिशन पे. समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या? बता दो भाई. अब आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखना है. फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम. वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है पार्टिकल की, अरे वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है पार्टिकल की, मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, या कहीं और? जल्दी बताओ, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है पार्टिकल की, मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, या कहीं और? यस, मेन पोजीशन पे, है ना? तो पार्टिकल मेन पोजीशन पे कब आएगा, पहली बार यहां पे. तो यहां पे आने में कितना टाइम लगा, t बाई थ्री, तो डायरेक्ट लिख देंगे t बाई थ्री, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी. समझ में आया? जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है वहीं पे क्या हो रही है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है. आप बोल दोगे पार्टिकल की वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होती है, मेन पोजिशन पे. सो यहां से मेन पोजिशन पे पहली बार आएगा इस टाइम पे. अब दूसरा क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ ले, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो फॉर द सेकंड टाइम. सेकंड टाइम बताओ जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो होगी. फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो फॉर द सेकंड टाइम. बताओ कहां पे होगी, वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, कहां पे होगी वेलोसिटी जीरो सेकंड टाइम के लिए? जल्दी बताओ. शाबाश बच्चों, सभी बोलेंगे, एक दो नहीं, सभी बोलेंगे. भाई साहब करना है तो अच्छे से कर लो, सभी बोलेंगे. बताओ, थ्री पे है ना, तो पार्टिकल कितना एंगल ट्रेस करेगा? मैं बोलूंगा सर पाई बाय सिक्स, पाई बाय टू, अगेन पाई बाय टू, टोटल हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाय सिक्स, दैट इज सेवन पाई बाय सिक्स, इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. अरे थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी. थीटा कितना ट्रेस किया, सेवन पाई बाय सिक्स. तो टी की वैल्यू निकालने का एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूं आपको. अब सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, डायरेक्ट तरीका बताऊं, बताऊं क्या बच्चों? इस दो टांग की एक टांग कर दो. अरे दो टांग होती है ना पाई में, इसकी एक टांग कर दो. शॉर्ट तरीका बता रहा हूं. और टांग ये न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, इसका ट्वाइस कर दो. दो टांग की एक टांग कर दो, बाकी सब वैसे का वैसा ऊपर, और इसका ट्वाइस कर दो.
समझ में आया? निकाल के देखो वही आंसर आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करने में भी वही आएगा जो ये आया है ना, ऐसे ही आएगा। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, कभी ओमेगा टी टू पाई बाई टी करो काटने पीटने में तुम्हारी गलती हो जाए, वही आया है ना। टू पाई बाई कैपिटल टी पुट करोगे सोल्व करोगे वही आएगा। सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं, राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखे रहने दो, नोमिनेटर में पाई की दो टांग होती है उसकी एक टांग कर दो, इसका मतलब कैपिटल टी लिख दो वहां पे, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका ट्वाइस कर दो, सिक्स है तो यहां पे ट्वेल्व कर दो, ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू सेवन पाई बाई ट्वेल्व। समझ में आया? आया क्या बच्चों? बस तो फिर क्या दिक्कत है भाई? बस तो फिर अच्छे से कर लोगे ना? यस, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों, अब आ रहे हैं दो पार्टिकल के क्वेश्चन। दो पार्टिकल के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगेंगे आपको। देखो बच्चों, मान लो हमारे पास दो पार्टिकल है, हमारे पास मान लो दो पार्टिकल है, SHM कर रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड का, दोनों पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड का SHM कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ये मेन पोजिशन है दोनों की, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है माइनस ए प्लस ए प्लस ए। एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, वो बच्चों स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजिशन से t इज टू जीरो पे और इधर जा रहा है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल है वो स्टार्ट हो रहा है t इज टू जीरो से और वो भी इधर जा रहा है। ध्यान से सुनना और अच्छे समझना, इस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं उसको। इधर जा रहा है दूसरा पार्टिकल, ये कलर भी दूसरा यूज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। हाँ कि ना? तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखो फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल, ये एक ही जगह पे कर रहे हैं याद रखना, एक ही जगह पे कर रहे हैं ऐसे, एक यहां से इधर जा रहा है और एक यहां से इधर जा रहा है t इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। यस, तो पहले तो पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू पार्टिकल, दोनों पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन या मैं बोलू इक्वेशन ऑफ SHM। तो आप क्या लिखोगे, पहले वाले की देखते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, फेजर बना लो जिसको डाउट आ रहा हो,
फेजर बनाओगे तो आप खुद सोचो ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कहां पे करोगे, यहां पे, हाँ कि ना, पहले वाले पार्टिकल को। इसका पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितने का एंगल है, पाई बाय टू, तो हम लिख देंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। समझ में आया? अरे आया क्या बच्चों, आया? यस। दूसरा देखो, सेकंड पार्टिकल का, ये सेकंड पार्टिकल कहां पे है, यहां पे है, और ये किधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी किधर है, यहां पे रिप्रेजेंट करना होगा, या तो इसको यहां पे करो या फिर यहां पे करो। इधर करेंगे ये जब करेंगे जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और इधर करेंगे जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, है तो दोनों ही मेन पोजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप बोलोगे सर इधर करेंगे क्योंकि यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो यहां पे ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, पाई। तो आप लिखोगे एक्स इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। समझ में आया? आया क्या? आया बच्चों? अरे हाँ कि ना, किसी को कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल मीट। देखो यहां पे पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइम व्हेन पार्टिकल मीट फॉर फर्स्ट टाइम, तो सोचो पहले वाले पार्टिकल को रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी पोजीशन यहां पे है ग्रीन वाले की, और दूसरे पार्टिकल की यहां पे पोजीशन है। तो बच्चों अगर इन पार्टिकल का सेम एम्पलीट्यूड है और सेम फ्रीक्वेंसी है तो क्या सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? तो अगर सेम ओमेगा है तो सेम टाइम पीरियड में क्या इक्वल एंगल ट्रेस करेंगे थीटा भी, हाँ कि ना? थीटा ट्रेस भी दोनों का सेम होगा, हाँ कि ना? अगर ये पहले वाला पाई बाय टू ट्रेस करेगा तो ये भी पाई बाय टू ट्रेस करेगा। इट मींस दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? फेज डिफरेंस मैं बोलूंगा ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये आ जाएगा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दैट इज पाई बाय टू। ध्यान से समझना और अच्छे से करना है। समझ में आया बच्चों? अरे आया क्या? यस। तो ये फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई बाय टू। मैं बोलूंगा क्या अगर ओमेगा सेम है और सेम टाइम इंटरवल है दोनों का, तो क्या हम बोलेंगे क्या दोनों सेम टाइम में इक्वल एंगल ट्रेस करेंगे? इक्वल एंगल ट्रेस करेंगे ना? ध्यान से देखना एक बार, कैमरा ऑन कर रहा हूं मैं। दोनों अगर ऐसे हैं, देखो दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे कर रखा है फेजर में, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे फेजर में, टक 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 टक, हाँ कि ना?
हाँ कि ना, ऐसे मूव करेंगे ना दोनों, दोनों के बीच में कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा क्योंकि दोनों का सेम ओमेगा है, ऐसे करेंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, कब दोनों का प्रोजेक्शन कोइंसाइड करेगा, कब दोनों का प्रोजेक्शन कोइंसाइड करेगा? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, या यहां पे? दोनों का प्रोजेक्शन कब कोइंसाइड करेगा? मैं पोजिशन बता रहा हूं फिर से, एक दो, आपको बोलना है पहली की सिचुएशन में करेगा कोइंसाइड या दूसरी में? प्रोजेक्शन कोइंसाइड कब करेगा? फिर से बोल रहा हूं, पहली तो सिचुएशन यही है जो अभी है, नंबर एक ये हो गई जब ये घूम के ऐसे आएंगे, नंबर दो ये हो गई जब ये घूम के ऐसे जाएंगे। प्रोजेक्शन कोइंसाइड कब करेगा, नंबर वन या नंबर टू में? जल्दी बताओ। अरे बताओ। यस ग्रेट, साक्षी गुप्ता ने करेक्ट आंसर दिया है। ये चलेंगे तो ऐसे ही है ना, टक 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 टक, है ना? यस। तो ध्यान से देखो, जब ये ऐसे हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, पाई बाय टू एंगल डिफरेंस होगा, एक पार्टिकल यहां पे होगा, एक यहां पे, और ऐसे सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इनका प्रोजेक्शन एक जगह पे ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना बच्चों? अरे आएगा ना। तो क्या जब इनका प्रोजेक्शन एक जगह पे आएगा तो क्या वहां पे पार्टिकल कोइंसाइड कर लेंगे? दोनों की पोजीशन सेम हो गई। अरे दोनों की पोजीशन सेम हो गई। अब इससे बताता हूं मैं, देखो जितने टाइम पीरियड में पार्टिकल ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पहले पीछे वाला, उतने में ही ये पार्टिकल यहां पे, ये जब यहां पे पहुंचेगा तो ये वाला यहां पे पहुंच जाएगा। नाम डाल देता हूं मैं, नंबर वन इसका है, वन टू। जब टू यहां पे पहुंचेगा तो वन यहां पे पहुंच जाएगा, जब वन यहां से इधर जा रहा होगा टू यहां से इधर आ रहा होगा, जब दोनों को इंसाइड करेंगे, जब टक्कर मारेंगे, को इंसाइड करेंगे ना। लॉजिकली समझ में आया? आया क्या? तो मतलब पक्का नेगेटिव जीरो से माइनस ए के बीच में कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेंगे। अगर आपने फेजर से देखा हो तो देखो ध्यान से, ये जीरो, ये माइनस ए और ये प्लस ए, यहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना? जीरो से माइनस ए के बीच में। और आपको यहां से भी डायग्राम से भी समझ में आया होगा, मैंने लॉजिकल दिया। अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस। चलो तो अच्छी बात है, और बात करते हैं। यही चल रहा था ना, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? यस ओके। तो बच्चों जब ये ऐसे मूव करेगा, व्हेन, इसको याद करने का तरीका, व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल बिकम्स वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल लाइन बन गई है, देखो, व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल बिकम्स वर्टिकल, इट मींस द पार्टिकल आर मीटिंग विद ईच अदर। समझ में आया? व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स बिकम वर्टिकल, इट मींस व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल बिकम्स वर्टिकल, इट मींस पार्टिकल आर मीटिंग विद ईच अदर। समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया?
आया नहीं आया? तो देखो जब पार्टिकल बच्चों यहां पे ऐसे चले जाएंगे, सेकंड सिचुएशन बता रहा हूं मैं, जब पार्टिकल कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, तो ये वाला यहां पे पहुंच जाएगा, तो ये वाला ब्लू वाला यहां पे पहुंच जाएगा, है ना। उसी टाइम पे ग्रीन वाला यहां पे पहुंच जाएगा, समझ में आया नहीं आया? और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो उतना ही रहेगा जो पहले था, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5/2। ओके, और देखो द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल राइट नाउ इज वर्टिकल, समझ में आया? अरे आया क्या? आया क्या बच्चों? ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये जो लाइन होगी ये बाइसेक्ट कर रही होगी, ये पाई बाय फोर एंगल होगा, ये पाई बाय फोर एंगल होगा, हा कि ना? होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो आप मेरे को बता, ग्रीन वाला कितना मूव किया? ग्रीन वाले ने मूव किया पाई बाय टू, ध्यान से देखना, ग्रीन वाला यहां से यहां मूव किया है, ये पाई बाय फोर तो ये भी पाई बाय फोर, तो ग्रीन वाला मूव करेगा पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, हा कि ना? ब्लू वाला कितना मूव करेगा ध्यान से देखना, ब्लू वाला मूव करेगा यहां से यहां तक, समझ में आया नहीं आया? तो मैं बोलूंगा ब्लू वाला मूव करेगा, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का एंगल तो कितना हो गया पाई बाय टू, और यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया पाई बाय फोर, मतलब दोनों ही ने किसी से भी सोल्व कर सकते हो आप, दोनों ने एंगल ट्रेस किया, किसी भी एक का देख लो, टाइम तो किसी भी एक से निकाल सकते हो ना, टीज गस टू जीरो पे ये यहां पे था, टीज गस टू जीरो पे ये यहां पे था, अब टीज गस टू समथिंग टी पे ये यहां पे पहुंच गया, और टीज गस टू सेम टाइम टी पे ये यहां पे पहुंच गया, तो आप लिखोगे किसी भी एक पार्टिकल का देख लो, ओमेगा टी इज गस टू थीटा, सो विल राइट इट एज ओमेगा टी इज गस टू थीटा, की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, दोनों ही केस में किसी का एक का ले लो, किसी भी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लो, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर मतलब कितना आएगा, थ्री पाई बाय फोर या कुछ और, थ्री पाई बाय फोर, मैंने आपको जुगाड़ बताया हुआ है, इसकी टांगे जोड़ दो, पाई की टांगे जोड़ दोगे तो टी, तीन का तीन ही रहने दो, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा थ्री टी बाय एट, हा कि ना? अरे हाँ कि ना? फिर से कह रहा हूं, थ्री का थ्री रहने दो, पाई की टांगे जोड़ दो, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका ट्वाइस कर दो, एग्जैक्टली थ्री टी बाय एट टाइम के बाद दोनों पार्टिकल कोइंसाइड कर जाएंगे या मीट कर जाएंगे, समझ में आया बच्चों? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना?
किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। आगे चलें, आगे चलें क्या बच्चों? यस, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जल्दी लो, फिर मैं आगे चलूंगा, इसको रब करूंगा। ओके, आपसे बोल दे फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल मीट अगेन, और वी कैन से फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल मीट सेकेंड टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल मीट सेकेंड टाइम। जल्दी बताओ, शाबाश। तो पहली बार तो यहां पे मीट करेंगे। अब देखना ध्यान से, कैमरा ऑन कर रहा हूं आपके सामने, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। शुभम, अच्छा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ऐसा था, दोनों ऐसे है ना, एक बार मीट यहां पे करेंगे, एक बार मीट यहां पे करेंगे। देखो दोनों का परपेंडिकुलर, दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली परपेंडिकुलर होगी या वर्टिकल होगी, ठीक है? अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। अब दोबारा कब होंगी ये, दोबारा कॉइंसाइड कब करेगा दोनों पॉइंटों की लाइन ज्वाइन करने वाली परपेंडिकुलर कब होगी? कई बच्चे बोलेंगे सर यहां पे, यहां पे बेटा ओरिजोनटल हुई है, देख ओरिजोनटल हुई है ना, हाँ कि ना। फिर ये ऐसे घूमेंगे, देख फिर से वर्टिकल होगी, दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली वर्टिकल हो गई, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? यस, तो मैं बोलूंगा सेकंड टाइम पार्टिकल कब मीट करेंगे, फर्स्ट टाइम का तो आपने देख लिया, मैं अब इसको मिटा रहा हूं फर्स्ट टाइम वाले को। जो भी आपका आंसर आया आपको देख लेना चाहिए, मिटा रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम वाले को। देखना आप ध्यान से, सेकंड टाइम पार्टिकल ऐसे मीट करेंगे बेटा। आगे कौन चल रहा है? ब्लू, तो ब्लू चलता हुआ ऐसे आएगा, आएगा 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 ऐसे, मतलब यहां कहीं। सिमिलरली मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो और अच्छा रहेगा। सिमिलरली ग्रीन, ग्रीन चलता हुआ आएगा 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 यहां पे ऐसे। आप देखोगे तो दोनों कोइंसाइड कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे। समझ में आया? दोनों कोइंसाइड कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे। समझ में आया क्या बच्चों? अब देखो इनको लाइन ज्वाइन करने वाली देखो बिल्कुल वर्टिकल होगी होगी। हो गई ना? तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले पार्टिकल ने, ग्रीन वाले पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेस किया घूम के? तो ग्रीन वाला पार्टिकल ऐसे घूम के आया, ऐसे घूम के आया, इतना एंगल ट्रेस किया है ना। अब ये तो बात क्लियर है, कोइंसाइड तभी करेंगे जब ये एंगल पाई बाय फोर हो जाएगा और ये एंगल भी पाई बाय फोर हो जाएगा, तभी तो कोइंसाइड करेंगे, तभी तो एक कोंगुरेंट ट्रायंगल बन जाएगी ये वाली और ये वाली। तो आप देखो पहले वाले पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेस किया, पाई प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, मतलब पाई प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर,
दूसरे वाले ने ध्यान से देखो कितना एंगल ट्रेस किया होगा, इतना ही किया होगा या अलग, आप बताओ मेरे को, सोचो। दूसरा वाला यहां पे पहुंचा, ध्यान से देखना, पाई बाय टू, पाई प्लस पाई बाय फोर, पाई बाय टू, पाई प्लस पाई बाय फोर, क्या दोनों ने उतना ही एंगल ट्रेस किया? कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? मैं बोलूंगा दोनों थीटा ट्रेस करते हैं ओमेगा टी, थीटा ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा टी। जब ओमेगा सेम होगा टी सेम होगा, सिंपल सी बात है, थीटा भी सेम होगा, दोनों को चले हुए सेम टाइम हो गया, दोनों सेम टाइम पे चले हैं ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे यहां पे एक साथ। अब इसको वैसे करने का तरीका देखो, ये जीरो से ए के बीच में दोबारा मीट किए, लॉजिकली समझो, यहां से पार्टिकल यहां से ऐसे गया, नंबर वन यहां से चला, नंबर टू यहां से चला, जब नंबर टू यहां पे पहुंचेगा तो नंबर वन यहां पे पहुंच जाए, दोनों यहां पे मीट करेंगे पहली बार। अब नंबर वन है वो यहां पे आ जाएगा और नंबर टू कहां पे चला जाएगा, यहां पे। अब नंबर टू इधर जा रहा है, नंबर टू यहां पे आ गया और नंबर वन यहां पे है तो वो यहां पे आ जाएगा, समझ में आया? अब दोनों मीट करेंगे कहां पे मीट करेंगे, नंबर वन ये आ रहा है, नंबर टू ये जा रहा है, यहां कहीं मीट करेंगे, जीरो से ए के बीच में, देखो एग्जैक्टली वहीं पे मीट कर रहे हैं, दोबारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू हो गए, पाई प्लस पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, तो आप लिखोगे सिक्स पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, सेवन पाई बाय फोर, शायद यही आएगा क्या बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेवन पाई बाय फोर ना, तो टी क्या आएगा, सेवन को सेवन लिख दो, पाई की दो टांग की जगह एक टांग कर दो टी, फोर का ट्वाइस कर दो एट, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों, आया क्या बच्चों, आया? अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये बताओ, तो आपसे बोलेगा फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल मीट्स फॉर द सेकंड टाइम, ये टाइम हो गया, ये टाइम कहां से है याद रखना, ये टाइम है टी इज टू जीरो से, जहां से पार्टिकल चले से उससे टाइम निकाल रहे हैं, टी इज टू जीरो से यहां पे था तो टी इज टू सेवन टी बाय एट पे यहां पे पहुंच जाएंगे दोनों, टी इज टू सेवन टी बाय एट पे, टी इज टू जीरो पे दोनों यहां पे थे, समझ में आया बच्चों? यस, बिल्कुल अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगा, समझ में आया। अब बच्चों दूसरी बात आती है कि अगर आपसे पूछे थर्ड टाइम पार्टिकल फिर से कोइंसाइड कब करेंगे, तो ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूं, यहां से पार्टिकल ऐसे चलेंगे टक 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 उसी पोर्शन पे जहां पे फर्स्ट टाइम किया था, टाइम अलग हो जाएगा, पोर्शन तो वही रहेगी ना, सिंपल सी बात है, पोर्शन यही रहेंगी दो, इसके अलावा कहीं पे नहीं कोइंसाइड करेंगे, एक ये और एक ये, टाइम चेंज होता जाएगा, पहली बार यहां पे, दूसरी बार यहां पे, तीसरी बार फिर से यहां पे, चौथी बार फिर से यहां पे, पांचवी बार फिर से यहां पे, छठी बार फिर से यहां पे, तो फर्स्ट टाइम यहां पे किया, सेकंड टाइम यहां पे कर लेगा, थर्ड टाइम यहां पे कर लेगा, फोर्थ टाइम यहां पे कर लेगा। ऊपर वाली डायग्राम में बता रहा हूं, ऊपर वाली डायग्राम में ध्यान से देखो, पहली बार का बताता हूं मैं, पहली बार का, तो ये नंबर वन है और ये नंबर टू है, जब नंबर टू यहां से यहां पहुंचेगा तो क्या नंबर वन यहां से यहां पहुंच जाएगा, हाँ कि ना, जब नंबर टू यहां से यहां पहुंचेगा तो नंबर वन यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब सिचुएशन क्या हो गई होगी कि नंबर टू तो यहां पे जा चुका, ध्यान से देखना, नंबर टू यहां पे जा चुका और नंबर वन यहां पे आ चुका, अब नंबर टू यहां से यहां पे आ रहा होगा और नंबर वन यहां से यहां पे जा रहा होगा, तो पार्टिकल यहां कहीं कोइंसाइड करेगा
और ये क्या है, जीरो से ए के बीच में। तो पहली बार पार्टिकल को इंसर्ट किए थे तो ध्यान से ना, ये जीरो है, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो पार्टिकल को इंसर्ट कहां पे किए, जीरो से माइनस है। ध्यान से देखना, पहली बार पार्टिकल यहां पे कोइंसाइड किए थे, ये माइनस ए हो गया और ये प्लस ए, तो जीरो से माइनस ए के बीच में। समझ में आया नहीं आया, पहला फंडा समझ में आया? अब चलो यहां पे कोइंसाइड कर गए, ओके। कोइंसाइड करने के बाद में एक नंबर पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा तो दो नंबर पार्टिकल यहां पे पहुंच चुका होगा, तो आ जाओ फिर। आई रिपीट, जब एक नंबर पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो दो नंबर पार्टिकल यहां पे पहुंच चुका होगा, तो दो नंबर इधर जा रहा है, एक नंबर इधर आ रहा है। अब जब दो नंबर यहां पे पहुंचेगा, है ना, तो एक नंबर बच्चों कहां पे पहुंच जाएगा, एक नंबर यहां से यहां पहुंच जाएगा, हां कि ना। अब एक नंबर यहां जाएगा और दो नंबर यहां आएगा, मीट कहां पे करेंगे, जीरो से, जीरो से प्लस ए के बीच में, मतलब ये, सॉरी मैंने थोड़ा यहां पे टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा। तो यहां पे जब दोनों मीट करेंगे, दोनों यहां पे मीट करेंगे, है ना, यस। तो एक नंबर इधर जा रहा था और दो नंबर इधर जा रहा था, अब जब एक नंबर यहां पे पहुंचेगा तो दो नंबर यहां पे पहुंच जाएगा, हार कि ना। अब दो नंबर ऐसे जा रहा है तो एक नंबर इधर जाएगा, उस टाइम पे बाद दो नंबर यहां पे पहुंच जाएगा और एक नंबर यहां से यहां पे आ जाएगा। समझ में आया? और वो इधर जा रहा होगा और दो नंबर इधर आ रहा होगा, मीट कहां पे करेंगे, यहां कहीं पे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो जीरो से प्लस ए के बीच में करेंगे, और देखो यहां पे भी जीरो से प्लस ए के बीच में कर रहे हैं दूसरी बार। आया सभी को समझ में? यस, ठीक है, ओके। बच्चों तीसरा और फाइनल कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्लियर ऑल? अब सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में फिर से इसको इरेज कर रहा हूं, फिर से इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। चले बच्चों, चले क्या? यस, अब आगे चलते हैं, आ जाओ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लिख लो सभी, सभी लिख सकते हैं, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल। याद रखना, ये पहले वाला पार्टिकल नंबर वन और ये दूसरे वाला। फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल इज मैक्सिमम। फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल इज मैक्सिमम। जल्दी बताओ, शाबाश, कब इन पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी? सोचो एक बार, थोड़ा थोड़ा सोचो, कुछ ऐसा ही है मिलता जुलता। जल्दी सोचो बच्चों, शाबाश।
जल्दी सोचो बच्चों, शाबाश। अरे थोड़ा थोड़ा मेरे को गाइड करो, शाबाश। सोचो कि सर कैसे हो सकता है, थोड़ा बताओ कब हो सकती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, क्या जब इन पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, जब इनके प्रोजेक्शन के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। आई रिपीट, क्या तब इन पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, जब इनके प्रोजेक्शन के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, हाँ कि ना? तो ध्यान से देखो, दोनों पार्टिकल है ऐसे है, ऐसे है इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो पे, इसका प्रोजेक्शन यहां पे आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पे आएगा, ऐसे जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे, इसका प्रोजेक्शन यहां पे, ऐसे आएगा इसका प्रोजेक्शन यहां पे, इसका प्रोजेक्शन यहां पे, ऐसे आएगा प्रोजेक्शन घटेगा, मतलब यहां से यहां जाओगे तो प्रोजेक्शन ऐसे बढ़ेगा। मैक्सिमम कहां पे होगा, यहां पे मैक्सिमम होगा, यहां पे बच्चों प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगा जब इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तब इन दोनों के प्रोजेक्शन के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? जब इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तब इन पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि तभी इनके प्रोजेक्शन के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप लोग को लिखना है, व्हेन लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल becomes horizontal, then yeah, at that instant displacement between particle is maximum। समझ में आया? पार्टिकल सबसे दूरी पे होंगे, सबसे ज्यादा दूरी पे आपस में एक दूसरे से, भाई आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम कब होगा, जब इनको लाइन ज्वाइन करने वाली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, पार्टिकल को लाइन ज्वाइन करने वाली। तो मैं बोलूंगा, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, कि जब ये पार्टिकल ग्रीन वाला या ब्लू वाला पहले यहां पर आ जाए, तो ग्रीन वाला कहां पे आ जाएगा, यहां पे, है ना? अरे हाँ कि ना? तो क्या इनको लाइन ज्वाइन करने वाली है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, दोनों पार्टिकल को लाइन ज्वाइन करने वाली है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी? समझ में आया क्या बच्चों? आया? भाई साहब अच्छे बच्चे हैं फिर तो, ये बच्चे कहां से आए भाई, खतरनाक बच्चे। तो बच्चों ग्रीन ब्लू वाला कितना चला, देखो ये हॉरिजॉन्टल जब मीट करेगी ना, दैट इज फॉर श्योर, ये तभी मीट करेंगी जब ये जो बीच वाली लाइन है ये इनके फेज डिफरेंस को, ये इन दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस पाई बाय टू, इनको इक्वली या मैं बोलू बायसेक्ट करेगी, मतलब ये पाई बाय फोर हो जाएगा, ये पाई बाय फोर हो जाएगा। तो आप किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, ग्रीन पार्टिकल ब्लू पार्टिकल कहां से कहां चला, यहां से यहां, तो कितना टाइम ट्रेस, कितना एंगल ट्रेस किया, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, π
पाई बाय फोर, थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय फोर, है ना, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय फोर, टी की वैल्यू क्या आएगी, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, ये तो फर्स्ट टाइम का था, क्या ये भी पूछ सकता है? सभी को इतना समझ में आया ना कि ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द टाइम व्हेन, ध्यान से देखो, यहां पे तो पार्टिकल टी इज़ इक्वल टू जीरो पे थे ये दोनों के दोनों, और टी इज़ इक्वल टू टी बाय एट पे पार्टिकल यहां पे पहुंच गए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, या फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल बिकम मैक्सिमम फॉर द सेकेंड टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल बिकम मैक्सिमम फॉर द सेकेंड टाइम, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बच्चों हाँ की ना, अरे हाँ की ना, तो वो कहां पे होगा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर आगे चलेंगे। देखो यहां पे ग्रीन वाले पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल ट्रेस किया है, इतना एंगल ट्रेस किया है ग्रीन वाले, पाई बाय फोर, सॉरी ब्लू वाले ने, ग्रीन वाले ने कितना किया है, ये पाई बाय फोर, तो ये पाई बाय फोर, ब्लू वाले ने भी पाई बाय फोर, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो शाबाश, जल्दी से ले लिया, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आप ध्यान से देख लो, मैं रब कर रहा हूं, डन, आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल बिकम मैक्सिमम फॉर द सेकेंड टाइम, क्वेश्चन लिख लेना बाद में, पहले बता देता हूं, नहीं लिख पाओगे या लेक्चर देखना पड़ेगा कंप्लीट, फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल बिकम्स मैक्सिमम फॉर द सेकेंड टाइम, तो ये पार्टिकल जब ऐसे जाएगा घूम के तो यहां पे आ जाएगा, ये पार्टिकल घूम के कहां पे जाएगा, ये पार्टिकल घूम के जब ऐसे जाएगा तो यहां पे आ जाएगा, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, कब ध्यान से देख लो, पहले वाला दूसरे, पहले वाला यहां पे और दूसरे वाला यहां पे, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? आया क्या? तो ग्रीन वाला कितना मूव किया, ये पाई बाय टू पाई बाय फोर हो जाएगा, ये पाई बाय फोर हो जाएगा, तो देखो ग्रीन वाला कितना मूव किया, यहां से पाई प्लस पाई बाय फोर, मतलब फाइव पाई बाय फोर, ब्लू वाला, ग्रीन वाला कितना, पाई प्लस पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू फाइव पाई बाय फोर, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइव का फाइव, पाई का टी और फोर का एट, इतने टाइम में दोबारा से पार्टिकल, अरे ओमेगा टी इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर कैसे होगा, पाई प्लस पाई बाय फोर क्या होता है,
है, कर लोगे या नहीं कर लोगे मेरे को ये बताओ। क्या आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अगर दिया जाए तो? बच्चों कर सकते हो या नहीं? ओके डन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को, बाय एवरीवन। कल का होमवर्क सुन लो, नीट वालों तुम्हारा नेक्स्ट 30 क्वेश्चन ऑफ व्हाट सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ठीक है? अपने कर लेना आराम से। हाँ बाय बच्चों, बाय सभी को, बाय।